जय हिंद, आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल जीके जीएस एचीवर्स पर। तो चलिए देखेंगे आज फिर 50 प्रश्न का एक टोटल प्रश्न, इसमें दिया गया 50 प्रश्न है। और जैसे कि आपको हम कल भी एक वीडियो अपलोड किए थे 50 प्रश्न का, तो आज दूसरा हो जाएगा। और इसी तरह से आपको हम डेली एक एक वीडियो 50 प्रश्न का अपलोड कर देंगे। और ये प्रश्न या फिर ये टेस्ट सीरीज जो है वो आपको ज्ञान बिंदु सर का है, जैसा कि आपको देख रहे होंगे, ठीक है, ज्ञान बिंदु सर का है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है, तो टेलीग्राम से आप सेट को निकाल भी सकते हैं, ठीक है। सेट को निकाल करके एक बार खुद से बना भी लीजिएगा। तो अगर आपका रिस्पांस पॉजिटिव आया तो हम डेली वीडियो को बनाकर डाल देंगे, ठीक है। और आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं, इसीलिए थोड़ा वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि मेहनत लगता है, आपको पता होगा। तो आप लोग वीडियो को अगर लाइक शेयर करते हैं, ठीक है, तो हम डेली एक एक वीडियो डाल दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न क्या है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें कौन सा कथन सही है। तो जैसे देखना है यहाँ पे, काराय इसे लॉर्ड लिटन के द्वारा अधिनियमित किया गया था। जी बिल्कुल, इसे लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया गया था या फिर अधिनियमित किया गया था। आपको पता होगा कि लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर प्रतिबंध जो लगाया था वो 1878 में लगाया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर प्रतिबंध लगाया गया था और इसमें पत्रिका कौन था, तो उसका नाम था सोम प्रकाश। सोम प्रकाश नामक पत्रिका था, उसी पत्रिका पर जो है प्रतिबंध लगाया गया था, सोम प्रकाश, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पूछेगा कि वह कौन सा पत्रिका था जो रातों रात बांग्ला से अंग्रेजी भाषा में छपने लगा था, तो उसका नाम था अमृत बाजार। अमृत बाजार पत्रिका जो है आपको छपने लगा था किससे, तो आपको बंगाली भाषा में छपता था, लेकिन डर से आपको इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में छपने लगा था। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा गया है कि कौन सा पत्रिका ने सोम प्रकाश को मदद किया था, तो उसका नाम था पायनियर। पायनियर पत्रिका उसको क्या किया था, मदद किया था, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर दूसरा कारा, इसे गैंगिंग अधिनियम भी कहते हैं जी, इसे गैंगिंग अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा कारा, इस अधिनियम पर प्रतिबंध लॉर्ड रिपन ने हटा दिया था। कारा, इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। जी बिल्कुल सही है, इसे 1882 में क्या कर दिया था, प्रतिबंध को हटा दिया था। आपको पता होगा कि लॉर्ड लिटन रहा था 1876 से 1880 तक लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था, 1876 से 80 तक लिटन रहा था। और यहाँ पर बात करते हैं लॉर्ड रिपन का, तो लॉर्ड रिपन रहा था 1880 से 84 तक रहा था रिपन, और लिटन रहा था 1876 से 80 तक रहा था, ठीक है। तो इसमें कौन सही है, तो इसमें तीनों सही है। नेक्स्ट है कि भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाव दिया था कि वे, देखिए गांधी जी को मानना था, यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा। गांधी जी को मानना था कि गांधी जी के पता होगा कि गांधी जी भारत का विभाजन होना नहीं चाहते, देने चाहते थे। गांधी जी का कहना था कि भारत का विभाजन ना हो, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि भारत का विभाजन हो। तो हो सकता, तो गांधी जी को यहाँ पर लगा कि ये जो जिन्ना है, जिन्ना भारत का सत्ता चाहता है, इसीलिए जो है भारत का विभाजन चाह रहा है। तब लॉर्ड माउंटबेटन को महात्मा गांधी बोलते हैं, सुझाव देते हैं, ठीक है, क्या कि जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। मतलब लॉर्ड माउंटबेटन को गांधी जी ने बोला कि जाइए पूछिए, जिन्ना सरकार बनाएगा तो बना लेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत आने वाला पुर्तगाली कौन नहीं था, इसमें कौन पुर्तगाली का नहीं था, इसमें कौन सा यात्री पुर्तगाली का नहीं था, जिसमें पीटर मुंडी नहीं था, ये इंग्लिश था, ब्रिटेन का था, ठीक है, इंग्लैंड का था, पीटर मुंडी इंग्लैंड का था, शाहजहां के शासनकाल में आया था। शाहजहां के शासनकाल में कौन आया था, पीटर मुंडी। चलिए, उसके बाद डोमिगोस पायस और बारबोसा, ये दोनों आया था केडियार, क्रिश देवराय, विजयनगर का शासक था, क्रिश देवराय के शासनकाल में आया था, ठीक है। और यहाँ पर जो नुनिच देख रहे हैं, वो अच्युत राय के शासनकाल में आया था, अच्युत राय भी आपको कौन किससे थे, विजयनगर सम्राट से संबंधित थे। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दिनों में इनमें से डंका शाह के नाम से जाना जाता है। आपको हम फ्रांसीसी क्रांति में ऑब्जेक्टिव जब करवाए थे, उसमें 150 प्रश्न, तो हम बताए थे कि डंका शाह के नाम से
मौलवी अहमदुल्ला को जाना जाता है, मौलवी अहमदुल्ला को डंका सा और 50,000 इनामी, 50,000 इनामी, इसको पकड़ने के लिए अंग्रेज ने 50,000 रखा था, 50,000 इनामी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, 50,000 इनामी के नाम से जाने जाते हैं। और डंका साहब इसलिए कहते थे क्योंकि जब ये निकलता था अपने मोहल्ले से निकलते थे तो इसके आगे पीछे और नगाड़ा बजाया जाता था, ढोल नगाड़ा, इसीलिए डंका साहब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर तात्या टोपे और दाना साहब, दोनों कानपुर से 1857 का नेतृत्व कर रहे थे। और बात करें तो इसमें नाना साहब भागकर नेपाल चल गए थे, भागकर कहाँ चल गए थे तो नेपाल चल गए थे, लेकिन तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट है एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, और वह कौन था? पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा काशीराम पंडित, काशीराज पंडित, काशीराज पंडित जो था उसने 1761 का जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था उसको अपने स्वयं आंखों से देखा। पानीपत का तृतीय युद्ध आपको दो लोगों के बीच हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, मराठा के बीच, अहमद शाह अब्दाली अफगान था और मराठा आपको पता होगा, मराठा के तरफ से देखिएगा, मराठा तरफ से कौन कौन, तो सदाशिव राव और विश्वास राव, सदाशिव और विश्वास, सदाशिव राव और विश्वास राव, ये दोनों, और उस समय मुगल मुगल सॉरी मुगल नहीं मराठा पेशवा जो थे उसका नाम था बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी किसने प्रारंभ किया? पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रारंभ करने वाला जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट है इसमें भी आपको विचार करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए पहला कह रहा है कि 82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा से होकर गुजरता है। नहीं, आपको 82 डिग्री जो है वो पांच राज्य से गुजरता है, पता होगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इसमें आपको तीन गो सही था और बात जो है गलत है, तो इसमें ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, एक नंबर गलत है। नेक्स्ट है तो भारत के 7 राज अंतर्राष्ट्रीय और तटीय रेखा को स्पर्श नहीं करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटीय सीमा, 5 गुने करेगा ना, 5 गुने करता है, हरियाणा नहीं करता है, हरियाणा नहीं करेगा और मध्य प्रदेश नहीं करेगा और छत्तीसगढ़, हरियाणा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और झारखंड और एक बच गया तेलंगाना, तेलंगाना, तो ये 5 गो है स्पर्श नहीं करता है। नेक्स्ट कह रहा है नीचे है कि मैकमोहन रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित हुई, ठीक है बिल्कुल सही, शिमला में हुआ था। और नेक्स्ट है कि इंदिरा पॉइंट को लाइचिंग भी कहते हैं, लाइचिंग पॉइंट भी कहते हैं, जी बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और इंदिरा पॉइंट को और नहीं पिगमिलियन पॉइंट के भी नाम से जानते हैं, पार्सन पॉइंट के भी नाम से, पिगमिलियन और पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से आपको 1, 2, 3 और 4 सही आंसर है, इसका सही आंसर बी नंबर होगा। नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि हिमालय के विस्तार के संदर्भ संबंधित युग्मों पर विचार करना है। यहाँ पर देखिएगा एक बार हम बता देते हैं, पहला देखिएगा यहाँ पर आता है पंजाब हिमालय, ठीक है पंजाब हिमालय, उसके बाद आता है पंजाब हिमालय, ठीक है पंजाब हिमालय के बाद आपको आ जाएगा कौन सा हिमालय, कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय यहाँ पर आ गया कुमाऊं हिमालय, उसके बाद आता है नेपाल हिमालय, उसके बाद असम हिमालय, असम हिमालय। देखिएगा यहाँ पर बांट देंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है यहाँ होता है सतलज सिंधु, यहाँ पर सिंधु, ये सिंधु नदी और यहाँ पर सतलज नदी, यहाँ पर सतलज नदी, ठीक है। तो देखिएगा पंजाब हिमालय जो है ना, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच है, और कुमाऊं हिमालय सतलज, सतलज और काली, सतलज और काली, सतलज और काली के बीच हो गया कुमाऊं हिमालय, काली और तिस्ता, काली और तिस्ता, काली और तिस्ता के बीच हो गया कौन सा हिमालय, नेपाल हिमालय, काली और तिस्ता नेपाल हिमालय, और तिस्ता और देहांग के बीच हो गया असम हिमालय, तिस्ता और देहांग, तिस्ता और देहांग के बीच असम हिमालय, ठीक है काली और तिस्ता के बीच नेपाल हिमालय, सतलज और काली के बीच कुमाऊं हिमालय, सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखना है तो इसका जब मिलान करिएगा तो आपको पहला सही है, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच है, उसके बाद कह रहा है नेपाल हिमालय सतलुज और काली के मध्य, नहीं देख लीजिएगा गलत है, उसके बाद क्या कह रहा है डी नंबर कि असम हिमालय तिस्ता एवं ध्यान के बीच है, बिल्कुल सही है। तो आपको 1 और 3 इसमें सही हो जाएगा, 1 और 3 बाद बाकी क्या गलत है। नेक्स्ट है अलकनंदा, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग, तो अलकनंदा और अमरुदाद रखना है, ठीक है अमरुदाद रखना, अलकनंदा, अलकनंदा और मंदाकिनी संगम को कहते हैं रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी संगम को क्या कहते हैं रुद्रप्रयाग कहते हैं, ठीक है क्या कहते हैं रुद्रप्रयाग कहते हैं, क्या कहते हैं रुद्रप्रयाग, ठीक है। देवप्रयाग में मिलता है कौन पर, भागीरथी,
भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग, भागीरथी अलकनंदा देव प्रयाग, धौली गंगा और अलकनंदा, धौली गंगा अलकनंदा विष्णु प्रयाग, ठीक है, और पिंडार और अलकनंदा कर्ण प्रयाग आपको पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट है नदी द्वीप मांजुली निम्नलिखित में, निम्नलिखित नदियों में से किसमें स्थित है? मांजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक है, दक्षिण अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रा से प्रवेश करता है भारत में, और इसका लंबाई का बात करेंगे तो 2900 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, और दिहांग, आपको दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना गया है। चलिए इसको भी थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, कथन पर विचार करना है, कह रहा है कि यहाँ पर और ऊपर में कुछ लिखा हुआ है, हाँ 42वें संविधान संशोधन, यहाँ पर पहले देख लेते हैं, 42वें संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन कथन सही है, ठीक है, विचार करना है। देखिए कह रहा है इसने प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े, जी बिल्कुल सही, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। कह रहा है इसमें इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ा, नहीं 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा, वर्तमान में 11 है, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के, तो वर्तमान में 11 है, वर्तमान में 11 इसके लिए हुआ था आपको 86वां संविधान संशोधन 2002, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, तो इसमें ये गलत हो जाएगा क्योंकि 8 नहीं 10 को जोड़ा गया था। नेक्स्ट कह रहा है तीसरा है कि इसने इसने नए निर्देश सिद्धांत जोड़े गए, यानी अनुच्छेद 39 का ए, 43 का ए और 47 का ए, नए 48 का ए, 48 का ए, ठीक है, 48 का ए जोड़ा गया, तो ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा, 48 का ए जोड़ा गया, ये भी एक अधिकरण, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है कि इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधान सभा या मंडल के सदस्यों को आयोग घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया है, जी बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति जो है क्या करेंगे, जो है राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श पर क्या करेंगे, विधानमंडल या विधानसभाओं के सदस्य को, आयोगता को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, लेकिन पुनः इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया है, ठीक है, तो आपको ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, तो आपको मात्र 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, 2 और 3। अच्छा इसमें कह रहा है सही नहीं है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा है सही नहीं है, सही नहीं है, तो 2 को सही नहीं है, 2 और 3 सही नहीं था, ठीक है, तो नीचे भी ऑप्शन आप लोग कभी काल देख लीजिएगा, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है, मूल अधिकार का भाग कौन सा नहीं है, शिक्षा का अधिकार, देखिए शिक्षा का अधिकार आपको पता होगा 12 से 35 तक रहेगा, जितना आर्टिकल 12 से 35 तक में आएगा उस सब मूल अधिकार में आ जाएगा, तो शिक्षा का अधिकार, शिक्षा 21 का क, 12 से 35 तक आएगा तो 21 का क हो जाएगा, ठीक है। कारा अल्पसंख्यक द्वारा शैक्षणिक संस्थान स्थापित करेगा, आर्टिकल 30 के तहत कर सकता है, इसमें सरकार कुछ नहीं हस्तक्षेप करेंगे। उपाधियों को विभूषित होने का अधिकार नहीं, उपाधियों का अंत का अधिकार है आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है, उपाधि का अंत, आप जिस प्रकार से पहले राजा महाराजा उपाधि धारण करता था, तो हमारे समाज में जो है कुप्रथाएं फैल जाती थी उसके कारण, तो इसलिए हटा दिया गया है। सेना का उपाधि धारण कर सकते हैं, देखिए उसके बाद है वो अस्पृता का विरुद्ध अधिकार 17 में आर्टिकल 17 में, ठीक है, तो इसमें आपको सी नंबर नहीं होगा, बाद बाकी सब सही है। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है, तो कल्याणकारी राज्य घोषित करेगा वो 39 में और बोला गया धन का समान वितरण, धन का क्या करना, समान वितरण, ठीक है, और महिला पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन और समान अवसर भी प्रदान होगा, ठीक है, इसका सही आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट है संविधान सभा द्वारा किए गए कार्यों को सही क्रम में व्यवस्थित करिएगा, सही क्रम, देखिए संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव का प्रथम अभिभाषण 1947 में अपना प्रथम अभिभाषण दिए, ठीक है, तो यहाँ पर एक उत्तर था, यहाँ पर देखना है, यहाँ पर कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रवाद को अपनाया 22 जुलाई 1947 को अपनाया, ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता, राष्ट्रमंडल जो है भारत में आपको पता होगा राष्ट्रमंडल की स्थापना 1931 में हुआ है, और राष्ट्रमंडल भारत अपनाया
भारत कब अपनाया? 1947 में अपनाया होगा, 1947 ने, 1949 में भारत 1949 में अपनाया, और उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को ना पेश किया गया है, 1946 को पेश किया गया है। देखिएगा यहाँ पे आपको ये 13 दिसंबर को पेश किया गया है, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया है। तो इसमें कर्म के अनुसार बोल रहा है सजाने के लिए कौन पहने होगा, ठीक है, तो पहने 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 4, 1, 2, 3, उधर 1947 बचा हुआ था ना, 1947 बचा हुआ था। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत में द्वैत शासन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके अधीन प्रारंभ किया गया, द्वैत शासन। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होगा 1765 में लगाया गया था, 1765 में लगाया गया था, फिर 1772 में उसे समाप्त भी कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर है द्वैत शासन, तो द्वैत शासन का जनक मैंने जान लीजिए कौन है, तो लियोनस कार्टियस उसका नाम है, लियोनस कार्टियस जो है द्वैत शासन का जनक माना जाता है। और लियोनस कार्टियस का एक पुस्तक था जिसका नाम है डवार की, उसका पुस्तक था, उसी में दिया था। नेक्स्ट है, तो द्वैत शासन कहा रहा है, तो आपको पता होगा 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत लगा था, जिसे चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। चलिए, और ये लगा था कहाँ, प्रांत में लगा गया था, और केंद्र में द्वैत शासन लगा था 1935, लेकिन इसका सही मारना आंसर यहाँ पर बी, और मार्लेमेंटो सुधार 1909, मुसलमानों को अध्यक्ष अलग से पृथक निर्वाचन मंडल का क्षेत्र दिया गया था। नेक्स्ट है, और इसको पता होगा साइमन आयोग 26 नवंबर 1927 आया था, 3 फरवरी 1928 रिपोर्ट दिया था, 1930 में रिपोर्ट दिया था, 1930 में हदीस एक इस्लामी कानून है। हजरत मोहम्मद साहब ने जो अपना भाषा दिए थे, कुरान तो माध्यम को अपनाया, और भाषा जो दिए थे उसी भाषा का जो ग्रंथ संगलित है, जो ग्रंथ में संगलित है उसी भाषा को कहते हैं आपको हदीस, ये हो जाएगा इस्लामिक कानून। नेक्स्ट है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था, और इसके लिए विभाग दान दीवाने खैरात दीवाने बंदगाल दीवाने इश्तिया सब किसका था, फिरोज शाह तुगलक का, दीवाने बंदगाल दान विभाग था, ठीक है, बंदगाल जो था वो दान विभाग था, और दीवाने खैरात, यहाँ पर दीवाने खैरात पूछ रहा है ना, दीवाने खैरात था, और एक था दीवाने बंदगाल, दीवाने खैरात, दीवाने इश्तियाक भी था, ठीक है, दीवाने इश्तियाक भी था, और ये दान विभाग था। याद रखना है, दीवाने खैरात क्या था, तो दान देता था, दान विभाग देता था, और खैरात में पेंशन देता था, इश्तियाक में पेंशन, इश्तियाक दीवाने इश्तियाक, दीवाने इश्तियाक जो था ना वो पेंशन विभाग था, पेंशन देता था, ठीक है, दीवाने इश्तियाक पेंशन देता था। और याद रखना है इसका एक और था, ये दारुल सफा जिसे कहा जाता था अस्पताल, तो दारुल सफा क्या है, तो पूछेगा दारुल सफा क्या है, तो अस्पताल है, किसने बनाया था, तो आपको फिरोज शाह तुगलक, FST फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा था 1351 में, और रहा था कब तक, 1388 तक, इसके 10 साल बाद 1398 तैमूर लंका आक्रमण हुआ था। चलिए, सबसे पहले दिल्ली का अमीरों को दमन करने का काम किया, दिल्ली अपना राजधानी भी ले गया था, लाहौर से दिल्ली इल्तुतमिश ले गया था गियासुद्दीन तुगलक का, बात करें तो गियासुद्दीन तुगलक वंश के संस्थापक थे, बालो लोधी जो है लोधी वंश। नेक्स्ट है, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ, उपनिषद का फारसी अनुवाद जिस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था, उसका नाम था शाहजहां का एक पुत्र था जिसका नाम था दारा सिक्को। दारा सिक्को जो था वो काफी शक्तिशाली था, लेकिन युद्ध में हार जाता था। और दारा सिक्को जो था वो बाबन उपनिषद को जो है सिर ए अकबर के नाम से फारसी अनुवाद किया था, सिर ए अकबर के नाम से। इसका सही आंसर आपको होगा 1 नंबर, ठीक है। चलिए, अकबर का बचपन का नाम जलाल था, औरंगजेब का मृत्यु 1707 में हो गया था। नेक्स्ट है, मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों के काल क्रम का अनुसार को सजाना है, घाघरा का हुआ 1529 में, खानवा पानी पिया उसके बाद खाना खाया 1527 में, ठीक है, उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ 1539 में,
1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच। उसके बाद सामूगढ़ का पता होगा, सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था वो 1658 में, 1658 में, ठीक है, 1658 में। चलिए तो इस प्रकार से इसका आंसर कौन होगा, डी नंबर, अंतिम में चार डी नंबर, ठीक है। और ये जो युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था, औरंगजेब और दारा सिख को, औरंगजेब और दारा सिख को, सच में भतीजा लड़ गया। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का निम्नलिखित में से कौन सा असली नाम, तानसेन रामतनु पांडे, तानसेन रामतनु पांडे, ठीक है, रामतनु पांडे। और अकबर ने तानसेन को जो है उपाधि भी दिया था, कंठाभरण बानी को उपाधि, कंठाभरण बानी को उपाधि। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, छत्तीसगढ़ की सीमा भारत से बिहार के साथ नहीं लगेगा, ठीक है, बिहार के साथ नहीं लगेगा, बिहार के साथ नहीं लगेगा, सातरा से लगाता है, सातरा से लगाता है, मैप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है, बहुपति प्रथा, बहुपति, टोडा, टोडा जनजाति क्या करता है, इसमें लड़की पैदा होता है तो इसको जान से मार दिया जाता है, लड़की पैदा होता है जान से मार दिया जाता है, तो बहुपति प्रथा जो है इसी में प्रचलित है। और यहाँ से बात करेंगे, टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी पर, तमिलनाडु में स्थित है, नीलगिरी पहाड़ी जिसकी ऊंची चोटी दोदा बेटा है, तो तमिलनाडु का नीलगिरी पहाड़ी पर जो है आपको हो जाएगा इसका टोडा जनजाति है। और नीलगिरी 2637 का ऊंचाई, 2637 मीटर ऊंचाई इसका। नेक्स्ट कह रहा है, दोरेगारे की अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना था, भारत का जनसंख्या घनत्व का बात कर रहा है, 382 था, ठीक है, 382 हो जाएगा इसका आंसर, 382। और बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106 है, अरुणाचल प्रदेश का 17 है। नेक्स्ट है, भारत के किस नगर में दो रेलवे जोन का मुख्यालय, भारत के दो रेलवे जोन का मुख्यालय इसमें कौन सा है, मुंबई, मुंबई में दो है, ठीक है, एक कौन सा है, CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, और एक आपको पता होगा चर्च गेट, हाँ चर्च गेट है, ठीक है, दो गो है, चर्च गेट है, और चर्च गेट पश्चिमी रेलवे, चर्च गेट और मध्य रेलवे, आपको मध्य रेलवे, पश्चिमी रेलवे चर्च गेट और मध्य रेलवे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ठीक है। चलिए, जोन कितना, 18 हो जाएगा। और दिल्ली में उत्तरी 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 रेलवे, उत्तरी उत्तरी रेलवे कहाँ होगा, दिल्ली, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ होगा, दिल्ली। उसके बाद जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे होगा जबलपुर, हुबली, हुबली बचा, हुबली दक्षिण, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली। नेक्स्ट है, जापानी सहयोग से स्थापित किया गया नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है, कोची शिपयार्ड, जिसका स्थापना जो हुआ था 1972 में, किसके सहयोग से, जापान के सहयोग से। यहाँ पर कह रहा है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, पहला कह रहा है संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जी, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति, ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है संघ की मंत्री प्रधानमंत्री के पश्चात पद धारण करते हैं, नहीं, राष्ट्रपति का धारण करता है, इसका सही आंसर एक नंबर होगा। देखिए, अगर यहाँ से अगर आर्टिकल जाना चाहते हैं तो आर्टिकल जो है यहाँ 75 का 3 कहता है, 75 का 3 ये बात बोलता है, ठीक है, और 75 का 2 ये बात बोलता है, 75 का 2। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसका सही सुमेल नहीं है, इसमें सुमेल नहीं है, सही सुमेल नहीं है, तो देखिएगा यहाँ पे आपको जवाहरलाल नेहरू, शांतिवन, ठीक है, APJ और AB शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, विजय का, ठीक है। उसके बाद इंदिरा गांधी शक्ति स्थल और राजीव गांधी कर्मभूमि नहीं वीरभूमि, बताए थे ना कि इंदिरा गांधी शक्तिशाली थी लेकिन उसका बेटा जो राजीव गांधी उससे भी वीर निकला, वीरभूमि, चलिए वीरभूमि हो जाएगा। और कर्मभूमि किसका है, तो कर्मभूमि हो जाएगा शंकर दयाल शर्मा का है, इस प्रकार आंसर डी। नेक्स्ट है, मंडल आयोग किसके प्रस्ताव के अछूयन विवाद का सुदृढ़ किया को गठित करने में करने वाले थे, बताएगा यहाँ से गठित इसको कौन किया था, तो इसका सही आंसर होगा मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई किए थे, मोरारजी देसाई के द्वारा गठन किया गया था, OBC में 27% आरक्षण, 27% आरक्षण, ठीक है। चलिए, और अविश्वास प्रताप सिंह, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था इन्हीं के विरुद्ध,
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हो चुके हैं, एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हो चुके हैं। तो इसमें सब सब एक से अधिक बार नियुक्त हो चुके हैं, ठीक है, सभी एक बार से अधिक नियुक्त हो चुके हैं, सब एक से अधिक बार। और चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति भी रहा था, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रहे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रहे, तो आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। टोटल 6 वो ऐसे हुए थे जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद पर रहे थे और निर्विरोध चुने गए थे ना, नीलम सलीम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट कह रहा है कि खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी नवपाषाण काल में, कल भी हम ग्रुप डिस्कशन में जिक्र किए थे नवपाषाण काल, नवपाषाण काल को उत्तरपाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है, जॉन लुबाक के द्वारा इसका खोज हुआ था। मध्यपाषाण काल का खोज जो किया था वो करसाइल के द्वारा किया गया था। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा क्या है, कारा सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरे पर कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है, तो मोहर पर मिलेगा कौन सा, पीपल की आकृति मिलती है, पीपल पीपल, ठीक है, पीपल की आकृति मिलती है। अब बोधि वृक्ष भी कौन सा, पीपल है, तो बोधि वृक्ष को कटवा दिया था शशांक। नेक्स्ट है, वर्धमान वर्धमान महावीर के संदर्भ में क्या सही नहीं है, कारा चौबीस कारा चौबीसवां और अंतिम तीर्थंकर, बिल्कुल सही है, उनके माता लिच्छवी की राज चेटी की बहन थी, बिल्कुल सही है, कारा उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया था, नहीं किया था तो यशोधरा कौन था, यशोदा कौन था, यशोदा इन्हीं की पत्नी थी, ठीक है। और कारा उन्होंने यहाँ पर कारा है उन्होंने 468 ईसापुर में पटना के समीप पावापुरी में देहांत कर गए, ठीक है, बिल्कुल सही है, देह को त्याग दिए थे, मृत्यु हो गया था उनका। तो इसमें कह रहा है कि कौन सही नहीं है, तो इसमें आपको कौन सही नहीं, सी नहीं है। नेक्स्ट है, उनका पत्नी था यशोदा, पुत्री था अनुजा प्रियदर्शी, प्रियदर्शी, ठीक है, अनुजा प्रियदर्शनी। नेक्स्ट है, आपने बड़े भाई नंदीवर्धन से गिरी त्याग किए थे आदेश लेकर, नंदीवर्धन से गिरी त्याग किए थे आदेश लेकर। नेक्स्ट नेक्स्ट है, किसने मगध साम्राज्य में बज्जी गणसंघ को जो है हराकर आत्मसात किया था, मतलब आत्मसात का मतलब कि मिला लिया था, ठीक है, बज्जी को हराकर अपने में मिला लिया था, तो उसका नाम था आपको यहाँ से अजातशत्रु हो जाएगा, अजातशत्रु, ठीक है। महापद्मनंद कलिंग को मिलाया था, कलिंग जिसका राजधानी तोसली था, कलिंग को ये मिलाया था। और इसमें अजातशत्रु ने बज्जी को जो मिलाया था ना, वो उसका एक वर्षकार जो सेनापति था, वर्षकार वर्षकार के सहयोग से। नेक्स्ट है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य, सीता सीता भूमि कहते थे जो है एक राजकीय सरकारी भूमि होता था सीता भूमि। नेक्स्ट है, स्वेज नहर कह रहा है, स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य समुद्री सीमा की दूरी कम गई थी, 7000 किलोमीटर कम गया है। नेक्स्ट है, बालसन झील निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है, तो बालसन झील, बालसन झील, बालसन झील हो जाएगा आपको कहाँ, कजाकिस्तान में स्थित है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, किर्गिस्तान, ये सब लैंड लॉक कंट्री है, लैंड लॉक। नेक्स्ट है, एशिया की विशाल नदी मेकांग किस नदी में, सॉरी कह रहा है, एशिया की विशाल नदी मेकांग किस देश में डेल्टा बनाती है, डेल्टा डेल्टा ये बनाता है जाके कहाँ बनाता है, ये बनाता है डेल्टा वियतनाम में, वियतनाम में डेल्टा बनाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं, तो यहाँ पर पूर्व का जो मैनचेस्टर होगा ओसाका, ओसाका, ठीक है, पूर्व का डिट्रॉयट नागोया, पूर्व का डिट्रॉयट नागोया। भारत पूछेगा भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार, एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार जो है एशिया का सबसे बड़ा, तो बीजिंग है, चीन का शहर बीजिंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पानीपत के तृतीय युद्ध युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, हाँ पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को, नहीं गलत है। नेक्स्ट है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मृत्यु हुआ, चतुर्थ में हुआ 1799 में, तृतीय में नहीं, दूसरा में इसका पिताजी मरे थे। कारा पलासी के युद्ध में नवाब सिकंदरउद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेज के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा, बिल्कुल सही रचा, ठीक है। 41 का इस प्रकार से सही आंसर कौन सा होगा, तो केवल 3 होगा। नेक्स्ट है, कारा जहां कानून नहीं
वहां स्वतंत्रता नहीं, किसने कहा था जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं? तो ये बात का जिक्र जो करने का काम किया था उसका नाम था जॉन लॉक, जॉन लॉक। नेक्स्ट है पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा? चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली पाकिस्तान नाम गढ़ा था। वो से पंजाब हो जाएगा और क्या क्या होता है, पंजाब होता है। और नेक्स्ट है गांधी को माना जाता है, गांधी को माना जाता है। चलिए पाकिस्तान का जो है पूरा लिख के बताइएगा, पाकिस्तान के अंतर्गत कौन कौन, मोहम्मद अली जिन्ना को चाहते थे, मोहम्मद अली जिन्ना चाहता था किसको किसको मिलाना। गांधी को माना जाता है, तो गांधी को मेन रूप से जो माना जाता है वो क्या चीज, तो एक दार्शनिक, दार्शनिक दार्शनिक के रूप में इन्हें जाना जाता है, अराजकतावादी, दार्शनिक अराजकतावादी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? सबसे बड़ी संसदीय समिति इसमें प्राकरण समिति है, जिसका स्थापना 1950, 1950, टोटल 30 सदस्य, लोकसभा का 300 सदस्य। लोक लेखा समिति 1921, 1921 टोटल 22 सदस्य, टोटल 22 सदस्य, 7 गो लोकसभा से सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर लोकसभा में लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य, जिसमें 15 गो लोकसभा से और 7 गो राज्यसभा से। ठीक है, सरकारी उपक्रम समिति 22 सदस्य, 22 सदस्य, जिस प्रकार से प्राकलन समिति, जिस प्रकार से लोक लेखा समिति में होता है उस प्रकार से इसी में होता है, इसमें कौन सा होगा आपको बी नंबर। और सरकारी उपक्रम समिति का स्थापना 1964, इसका 21, इसका 50। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? निर्विरोध बताए थे अभी नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है राजनीतिक लोकतंत्र का मूल विचारक लोकतंत्र के आधारभूत अधिग्रहित में होता है जो आधारित है, राजनीतिक लोकतंत्र का मूल निर्वाचक लोकतंत्र के आधारभूत अधिग्रहित, आधारभूत अभिग्रीति में होता है जो आधारित है, उसका सेंस होगा सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार पर, व्यक्ति मताधिकार 326। नेक्स्ट है कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की सात बहनों का भाग नहीं होगा? सेवन सिस्टर का भाग कौन सा नहीं होगा? इसमें सेवन सिस्टर का भाग पश्चिम बंगाल नहीं होगा, सेवन सिस्टर में नहीं आएगा। नेक्स्ट है डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी कलकत्ता, और अंत अंत में क्या है मिलान करने के लिए चक्राता, ये सब क्या है पर्यटन स्थल है। चक्राता आपको कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में स्थित है। हाफलांग, हाफलांग आपको असम में हो जाएगा। उसके बाद कालिम्पोंग, कालिम्पोंग कहाँ? कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल। और कुफरी आपको हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इस प्रकार से 50% क्लियर। और आप लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, आप लोग लाइक करिएगा तो फिर इसी प्रकार से एक एक वीडियो आपको डालता रहूँगा। और आज जो है आपको पता हो 11 बजे डेली चलता है 75% का सीरीज, और आज जो है उसमें लगभग 100% बातें इतिहास का सामाजिक सुधार, सामाजिक सुधार आंदोलन से होगा। चलिए, और शाम में ग्रुप डिस्कशन होता है, और आज जो है पॉलिटिक्स का ग्रुप डिस्कशन होगा 5 बजे से।